हेलो फ्रेंड, आज मैंने तैयार किया हुआ है टचलेस सैनिटाइजर एंड सोप डिस्पेंसर मशीन। इसके सर्किट को बनाने के लिए हमने किसी भी प्रकार के माइक्रो कंट्रोलर और प्रोग्रामिंग आईसी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। ये पूरी तरह से रिले लॉजिक के ऊपर काम करता है। इसके वर्किंग में जैसे ही हम इसके सामने हाथ ले जाते हैं, ये सैनिटाइजर हमको स्प्रे करता है और देगा, और हटाते ही वापस वो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाता है। इस प्रकार से ये काम करेगा। इसमें हम किसी भी प्रकार के लिक्विड सैनिटाइजर या सॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे लगाना भी बहुत आसान है। तो ये इस प्रकार से ये काम करेगा। इस मशीन के पूरे बॉडी को मैंने 10 mm के सनबोर्ड से बनाया है। इस सेटअप को अगर हम पूरा घुमा के देखें तो ये IR सेंसर यहां पर लगे हुए हैं, ये इंडिकेटर LED है, और पीछे की तरफ हमने एक होल किया हुआ है DC एडाप्टर के लिए, जो कि DC इनपुट प्रोवाइड करता है, जो कि इसका पावर सप्लाई है। अब हम इसके फ्रेम को ओपन करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। ये दो लिंक इस मोटर कपलर की सहायता से इस मोटर से कनेक्टेड है, और यहां पर दो लिमिट स्विच हमने लगाया हुआ है, जो कि ऊपर के पोजीशन मैक्सिमम पे और नीचे की पोजीशन पे इस सर्किट को ब्रेक करने का काम करते हैं। सर्किट इसके पीछे है। ये IR सेंसर सर्किट, इंडिकेटर को हमने अलग से बाहर निकाल दिया है उससे। ये दो रिले और कुछ ट्रांजिस्टर के थ्रू इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाया है। इसके सर्किट का डिस्क्रिप्शन हम आगे के स्टेप में देखेंगे। हम इसी कंडीशंस में इसको ऑपरेट करके देखते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें DC इनपुट करते हैं एडाप्टर के थ्रू। इस प्रकार से काम करेगा। मोटर की वर्किंग को हम देख लेते हैं। और इसमें जब तक हम हाथ रखा रहेंगे ये डाउनवर्ड पे ही रहेगा, हटा टिकने के बाद ही वो ऊपर जाएगा। और इसे ब्रेक करने का काम ये दोनों लिमिट स्विच कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सिंपल मैकेनिज्म पे ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजर एंड सोप डिस्पेंसर मशीन काम कर रहा है। इसे सिंपली हम रिमूव भी कर सकते हैं। हमने लिंक के साथ इस पाइप के कटिंग को लगाया हुआ है, जो कि सॉप के टैप को होल्ड करके रखता है इस प्रकार से। इस प्रोजेक्ट के मेन कंपोनेंट्स और पार्ट्स होंगे इंफ्रारेड सेंसर, जिसे हम IR सेंसर भी कहते हैं। आप इसे रेडीमेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ट्यूटोरियल 17 को देख के आप इसे खुद ही तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इसके दूसरे मुख्य पार्ट हैं 30 RPM DC गेड मोटर, थर्ड 12 volt एडाप्टर, ये 1 ampere या 2 ampere दोनों हो सकता है,
12 वोल्ट SVDT रिले, ये दो पीस लगेंगे। लिमिट स्विच, ये भी दो पीस पे लगेंगे। आप इसमें किसी भी प्रकार के लिमिट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC, 6 mm सॉफ्ट कपलर, IN4007 डायोड, ये दो पीस लगेंगे LED, BC548 ट्रांजिस्टर, इसकी जगह आप किसी भी प्रकार के NPN ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीन पीस पे लगेंगे। 10 किलो ओम रेजिस्टर, ये 0.25 वाट पे होंगे और ये दो पीस लगेंगे। 470 ओम रेजिस्टर, ये भी 0.25 वाट पे होंगे, ये तीन पीस लगेंगे। 1000 माइक्रोफेरेट कैपेसिटर और 100 माइक्रोफेरेट कैपेसिटर। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले 12 वोल्ट एडाप्टर को 7805 IC के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसमें एडाप्टर के सेंटर पिन का कनेक्शन IC के फर्स्ट पिन के साथ होगा और आउटर पिन का कनेक्शन 7805 के सेंटर पिन के साथ होगा। इसके पैरेलल पे हम 1000 माइक्रोफेरेट का एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, जिसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। 7805 के थर्ड पिन से हमें 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा और सेंटर से कॉमन ग्राउंड। 5 वोल्ट में भी पैरेलल पे हम 100 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और इंडिकेटर के लिए एक LED कनेक्ट करेंगे, जिसको ग्राउंड के साथ हम 420 ओम के रजिस्टर से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद IR सेंसर के VCC पिन का कनेक्शन 5 वोल्ट के साथ, ग्राउंड पिन का कनेक्शन ग्राउंड के साथ कर देंगे। इसके बाद रिले 1 को कनेक्ट करेंगे। SPDT रिले में 5 पिन होते हैं, जिसमें वो ब्लू डॉट दिख रहे हैं जो कि 3 हैं, वो टर्मिनल पिन है और 2 रेड डॉट जो हैं वो कॉइल पिन। टर्मिनल पिन नॉर्मली ओपन, कॉमन और नॉर्मली कनेक्ट होते हैं। इसी प्रकार एक और रिले R2 भी हम कनेक्ट कर देंगे। रिले को ट्रिगर करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम T1 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके इमीटर को हम ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे और कलेक्टर पिन को R1 रिले के एक कॉइल पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे रिले के लिए हम T2 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, इसके भी इमीटर पिन को हम ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम एक और ट्रांजिस्टर लेंगे T3। यहाँ पर हम T2 और T3 का इस्तेमाल रिले 2 को ट्रिगर करने के लिए करेंगे। कनेक्शंस के बाद मैं इनके वर्किंग को समझाऊंगा। T3 के इमीटर को भी ग्राउंड प्रोवाइड कर देंगे और कलेक्टर का कनेक्शन R2 के कॉइल पिन के साथ हो जाएगा। T2 के कलेक्टर और T3 के बेस को आपस में शॉर्ट कर देंगे। इसके बाद IR सेंसर के डेटा आउटपुट पिन को हम T2 के बेस के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिसके बीच में 470 ओम के रजिस्टर को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद डेटा पिन के लाइन पे 10 किलो ओम का रजिस्टर को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि पुल डाउन का काम करेगा। और इसी डेटा पिन के बीच हम S1 लिमिट स्विच का इस्तेमाल करेंगे, जिसके NC पिन का कनेक्शन डेटा पिन के साथ और कॉमन पिन का कनेक्शन 470 ओम के रजिस्टर के साथ T1 के बेस के साथ हो जाएगा। इस प्रकार इस केस में सेंसर का सीधा सिग्नल T1 तक जाएगा, लेकिन लिमिट स्विच के प्रेस होते ही वो कनेक्शन बीच में ब्रेक हो जाता है। इसके बाद 5 वोल्ट का कनेक्शन 10 किलो ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में ट्रांजिस्टर 2 और 3 के बेस और
कलेक्टर के साथ कर देंगे, जिससे ट्रांजिस्टर 2 और 3 के बेस और कलेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट हाई केस में रहेंगे, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्टिव रहेंगे। इसके बाद R1 के NC पिन को ग्राउंड कर देंगे और R2 के भी NC पिन को ग्राउंड कर देते हैं और R1 के दूसरे कॉइल पिन को 12 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद S2 दूसरे लिमिट स्विच के NC पिन का कनेक्शन 12 वोल्ट के साथ और कॉमन का कनेक्शन R2 के दूसरे कॉइल पिन के साथ कर देते हैं, मतलब R2 रिले के दूसरे कॉइल पिन के 12 वोल्ट कनेक्शंस के बीच में एक लिमिट स्विच लगा हुआ है। इसके बाद R1 और R2 के क्रॉस डायोड का इस्तेमाल करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से लगेगा। उसके बाद हम DC ग्रेड मोटर का कनेक्शन करेंगे जो कि R1 और R2 दोनों के कॉमन पिन के साथ कनेक्ट होगा। इसके बाद R1 के NO पिन को भी हम 5 वोल्ट 12 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे और उसी 12 वोल्ट को R2 के NO पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार इस प्रोजेक्ट के लिए सर्किट डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आप 12 वोल्ट एडाप्टर की जगह सीधे 12 वोल्ट बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सर्किट में होगा ये कि अगर IR सेंसर का आउटपुट पिन लो है, मतलब सेंसर के सामने कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, तो उस केस में ट्रांजिस्टर T2 और T3 एक्टिव रहेंगे और वो रिले 2 को ऑन कर देंगे, जिससे मोटर एक डायरेक्शन पे घूमने लगेगा और उसी डायरेक्शन पे हम लिमिट स्विच S2 को कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि वो एक पोजीशन पे वो मोटर ब्रेक हो जाए और वो उसी मोड पे रहे। लेकिन जैसे ही सेंसर के सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो T1 हाई हो जाएगा और T3 लो, जिससे रिले 2 तो ऑफ हो जाएगा और रिले 1 ऑन हो जाता है और मोटर दूसरी डायरेक्शन पे घूमने लगता है। लेकिन उस डायरेक्शन पे हम लिमिट स्विच S1 को कनेक्ट कर देंगे और एक पोजीशन में जाने के बाद जब वो इस स्विच को प्रेस करता है तो सेंसर और ट्रांजिस्टर के बीच की कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, तो इस प्रकार से ये पूरा सर्किट काम करने लगता है। इस प्रोजेक्ट का मैकेनिकल हार्डवेयर कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होगा, जिसमें लिमिट स्विच S2 को हम ऊपर की तरफ माउंट करेंगे और हमें इसे इस तरीके से फिक्स करेंगे कि वो जब अपने मैक्सिमम हाइट पे हो तो S2 प्रेस रहे और लिमिट स्विच S1 को हम उससे थोड़ा नीचे माउंट करेंगे। ये कपलर होगा जो कि मैकेनिज्म के दूसरे लिंक से कनेक्टेड है। ये 30 RPM DC गियर मोटर होगा। जब भी मोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो फर्स्ट लिंक नीचे की तरफ आ जाएगा, जिससे लिमिट स्विच S1 प्रेस होगा और मोटर वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। ये उस केस में होगा जब हम सेंसर के सामने कोई ऑब्स्टिकल लाते हैं या सेंसर के सामने हम अपना हाथ रखते हैं और हाथ हटाते ही वो फिर से वापस उसी डायरेक्शन में पुनः लौट जाएगा। इस प्रकार ये एक सिंपल स्ट्रक्चर मैकेनिज्म है इस प्रोजेक्ट का। इस चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स विद प्रवीण देहारी इन हिंदी और सब्सक्राइब करने के लिए ये रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए ये बेल आइकॉन प्रेस करें।